2012 13 14 तक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी, बहुत सारा काम हो रहा था। तो उस दौरान जैसे मैंने गाना दिया अंग्रेजी बीट, तो मुझे लोग कहते रहे कि भाजी अंग्रेजी बीट जैसा कोई गाना दो। मैं कहा वो तुम्हें दूंगा नहीं, मैं कुछ और दूंगा। फ्रॉम 2011 टू 2014 इंडिया में रैप का दूसरा नाम हनी सिंह था। पूरे इंडिया में उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बॉलीवुड मूवीज़ में उनके गानों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी, उनकी इतनी ज़्यादा हाइप थी कि वो अपने एक गाने का 70 लाख चार्ज करते थे। फिर 2014 में वो 18 महीनों के लिए इंडस्ट्री से गायब थे बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण। फिर उन्होंने वापस कमबैक किया, कुछ गाने रिलीज़ किए, गानों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर अगर आप अभी के उनके गानों को जाके देखो तो उनके कमेंट्स में आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये लिखा होता है वी मिस द ओल्ड हनी सिंह, हनी सिंह के नए गानों में वो पुरानी वाली वाइब नहीं आती, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स जहाँ पे उनके फैंस पुराने वाले हनी सिंह को चाहते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया हनी सिंह के साथ इन सालों में, उनके अभी के गाने वैसे इम्पैक्टफुल क्यों नहीं हैं? इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं है कि हनी सिंह के साथ क्या हुआ, ये बस मेरी कुछ रिसर्च वर्क है और पर्सनल ओपिनियंस हैं, तो उसको उसी तरह लेना। पॉइंट 1, टारगेटिंग यूथ। अगर आप हनी सिंह के पहले के गाने सुनेंगे तो एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि उनकी जो पहले के गाने थे उसमें वो यूथ को ही टारगेट किया करते थे। उनके गाना बहुत ज़्यादा यूथ सेंट्रिक थे और उनकी जो फैन बेस थी वो भी यूथ ही थी। और अगर आप अभी के उनके गाने सुनेंगे, वो जो टोनी कक्कर या नेहा कक्कर के साथ जो कमर्शियल सॉन्ग्स निकाल रहे हैं वो अब यूथ को उतनी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आज के टाइम में यूथ कमर्शियल सॉन्ग्स को अप्रिसिएट ही नहीं कर रहे हैं। वैसे गानों पे व्यूज़ ज़रूर आ जाती है, बट जब आती है बात रिस्पेक्ट की तो वैसे गाने के लिरिक्स को, म्यूजिकलिटी को बहुत सारे लोग अप्रिसिएट नहीं करते हैं। तो आज के टाइम में हनी सिंह की जो पहले की टारगेट ऑडियंस थी वो उसको ही इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट 2, पंजाबी वाइब। अगर आप हनी सिंह के पहले के सॉन्ग्स देखें तो उसमें एक पंजाबी टच रहता था, वो पंजाब के रैप कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे और अपने गानों के जरिए पंजाबी म्यूज़िक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, और इस पंजाबी टच के कारण उनके गाने बहुत ज़्यादा यूनिक भी बन जाते थे और अच्छा परफॉर्म भी करते थे। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो उनके गानों में ये पंजाबी वाइब मिसिंग होती है। पॉइंट 3, पॉपुलैरिटी एंड हिज स्टारडम। ये वाली पॉइंट मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट इट मेक सेंस। जब एक आर्टिस्ट नया नया आता है तो वो अपने ट्रैक्स में अपनी 100% एफर्ट्स डाल देता है, उसे खुद को प्रूफ करना होता है, इसलिए वो अपने ट्रैक पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। बट टाइम के साथ जब कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी बहुत बड़ी स्टारडम बन जाती है, तो उसके बाद थोड़े से वो लोग केयरलेस हो जाते हैं। फिर उन्हें पता होता है कि उनका नाम ही काफ़ी है और उनके गाने चलेंगे ही, और इस कारण से वो उतने एफर्ट्स नहीं देते। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अभी के हनी सिंह के सॉन्ग्स में हमें क्यों नहीं वो पुरानी वाली वाइब मिलती है। पॉइंट 4, माफिया मुंडेर टीम। ये अगेन बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न नहीं है और ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टार्टिंग डेज में हनी सिंह की जो क्रू थी माफिया मुंडेर, उससे बेहतर शायद इंडिया में कोई हिप हॉप क्रू होगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग डेज में जब वो बादशाह और अफ्तार के साथ काम किया करते थे तो उस टाइम से ही हनी सिंह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और इसी रीज़न की वजह से 2011 आते आते उनको बॉलीवुड वगैरह में चांस मिला और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाल मचाया। 2011 आते आते माफिया मुंडेर से बादशाह रफ्तार ये सब अलग ही हो चुके थे, बट फिर भी लील गोलू हनी सिंह के साथ थे और उनके बहुत सारे गानों के लिरिक्स लील गोलू ही लिखा करते थे, और आज के टाइम पे भी लील गोलू उनके साथ हैं, पर एग्जैक्टली नहीं पता कि उनके रीसेंट गानों में कितने उनके पुराने मेंबर जो माफिया मुंडेर के थे उनका कोई कंट्रीब्यूशन है भी कि नहीं। और ये एक बहुत सच बात है कि अगर आप एक अच्छी टीम के साथ रहते हो तो आपकी जो प्रोडक्ट आती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और आज के टाइम पे माफिया मुंडेर की टीम तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उनके नए गानों में वो पुरानी वाली बात क्यों नहीं है। पॉइंट 5, हुक्स एंड म्यूज़िक। अगर आप हनी सिंह के पुराने वाले सॉन्ग सुनेंगे तो उनके हुक्स जैसे कि ब्लू आइज़ या ब्राउन रंग,
इनके बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ज़्यादा ही कैची हैं। और आजकल के जितने भी उनके गाने आते हैं उनमें से ज़्यादातर में वो अपने हुक गाते ही नहीं हैं, किसी में नेहा कक्कर गा रही है, किसी में कोई और आर्टिस्ट गा रहा है, और अभी के हुक्स उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं। और अगर बात करें म्यूज़िक प्रोडक्शन की तो उसमें मुझे पर्सनली ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पता चलते हैं। और इसका ये भी एक रीज़न है कि टाइम के साथ आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसके साथ आपके स्किल्स और अच्छी होती जाती है। लेकिन मैटर ये करता है, एक जो ओवरऑल गाना एज अ फाइनल प्रोडक्ट आता है वो बहुत सही होना चाहिए, और आजकल उनके गानों में यही लैक कर रहा है। तो यहीं पे ख़त्म होती है ये वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इसके साथ साथ इस चैनल पे एमसी स्टैन की भी बायोग्राफी है और माफिया मुंडेर की पूरी स्टोरी हमने दो पार्ट्स में कवर किया है, उन वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करना। तब तक के लिए गुड बाय।